सो लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि भवानी चिटनेस को यहां पे मैं लेके आया हूं एज माई डेट. और उन्हें पूरा हक है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, जैसे आप सबको है. जस्ट बिकॉज इनका तलाक हो गया है तो इनकी सारी खुशियां इनसे छीन लो. कोई हक ही नहीं है इनको खुश रहने का. अरे तलाक आदमी का भी हुआ है, उसने भी 30 साल की शादी छोड़ी है और हफ्ते भर में दूसरी शादी भी कर रहे हैं. मिस्टर जयेश चिटनेस, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, विच इज फाइन. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इनफैक्ट उनकी खुशी में उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. बट भवानी चिटनेस को भी हक है खुश रहने का, और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता. समझे आप लोग? अरे पर तू ऐसा कैसे कह सकता है विराट? एक शादी का अंत हुआ है. शादी का अंत नहीं हुआ है मासी, एक धोखे का अंत हुआ है. और एक धोखे के अंत को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना. भवानी आंटी एक बुरे रिश्ते से बाहर आई हैं, इन्हें तो उनकी खुशी मनानी चाहिए. इनफैक्ट यू नो मॉम, मुझे भी यही करना चाहिए था कुछ साल पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ. अगर खुशी मनाता, लाइफ एंजॉय करता तो शायद जल्दी मूव ऑन कर पाता. अरे पर तेरी और इनकी बात अलग है, एक नहीं है. तो एक कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है. How's that? विराट रंग गहरा होता है ना इससे. चलो अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम. बेशरम तलाकशुदा.